आत्मनिर्भर भारत का मामला बनता है, इसलिए कि जो किसान जो सरकारी ट्यूबवेल से पानी सिंचाई करते हैं उस संदर्भ में जो बंद पड़े नलकूप हैं उस पर सरकार क्या आगे कार्रवाई कर रही है। अरे बैठिए आपका लीडर बहुत अध्यक्ष महोदय, माननीय अवधेश बाबू बहुत सीनियर मोस्ट मेंबर है, आप बैठे बैठे अध्यक्ष महोदय कह रहे, महोदय खड़ा खड़ा होकर ना अध्यक्ष महोदय आसन के तरफ उनको मुखातिब कर रहे, ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। चलिए महोदय, महोदय जो प्रश्न का विषय है, एक मिनट महोदय, जो अब भाई वीरेंद्र जी को लग गया श्रवण बाबू कि बैठे बैठे बोलने की विशेषज्ञता इनकी है, तो आप अवधेश बाबू का नाम कहां से डाल रहे हैं। महोदय प्रश्न का जो विषय है उससे आसन भी चिंतित है और माननीय मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं, और आपने बताया भी कि सभी माननीय विधायकों से परामर्श लेने के लिए उन्होंने 13 तारीख को बैठक रखी है। उसी के संदर्भ में जो अल्पसूचित प्रश्न आए हैं और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, तो इसी आलोक में चूंकि जब 13 तारीख को बैठक होगी तो सूचना पहले माननीय सदस्यों को भी चाहिए, उसी आलोक में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या विभाग के पास यह सूचना है कि बिहार में कुल कितने आहर नाला पोखर डबरा जलाशय हैं, कुल कितने हैं, और उसमें से कुल कितने अतिक्रमित किए गए हैं माफिया के द्वारा, और माफिया ने अतिक्रमित करके उस पर निर्माण कार्य भी कराया है और उसे बेचा भी है। क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुल कितना है आहर नाला पोखर डबरा जलाशय और उसकी अद्यतन स्थिति क्या है। चलिए अवधेश जी आप भी अपना पूछ लीजिए। अरे आपको दे रहे हैं ना भाई, सबका एक ही बार दे देंगे ना, आपके पास है संख्या। जी ना माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिहार के आहार पाइन की चर्चा की। महोदय मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को, आप इसको बंटवा दीजिए, बंटवा इसको बंटवाने दीजिए सीधे के।